आप भारतीय संस्कृति में पली बड़ी हैं और आपके जो हस्बैंड हैं वो ऑस्ट्रियन। भाषा हो या फिर संस्कृति, ये दोनों ही बहुत अलग अलग हैं। आप दोनों का मिलन कैसे हुआ? नृत्य के जरिए दोनों का मिलन हुआ। और वो उस समय यहाँ पोस्टेड थे, 70s की बात है, तो उन्होंने, और उनको ज़रा ताज्जुब लगा कि जब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ कि मतलब एज अ डांसर तो वो मेरा नाम उस ज़माने में काफ़ी था, और लेकिन कि मैंने पढ़ाई में MSc फिजिक्स किया है, PhD किया है वगैरह, और कर रहे थे, और सर्विस में हूँ, तो फिर उनको ये कॉम्बिनेशन ज़रा अजीब और गरीब लगा, तो फिर वो एक कॉमन फ्रेंड से के ज़रिए फिर मुलाकात हुई। तो एनीवे, बहरहाल उस समय उनकी वापस पोस्टिंग हो गई, चले गए, और हम लोग की सिर्फ चिट्ठी खातों किताब होते थे, लेकिन जो कॉर्टशिप हुई थी वो लॉन्ग डिस्टेंस थी। तो और बेसिकली जो आपका मेन क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक डिफरेंसेस वगैरह, ठीक है, वो बहुत, वो सफ़ेद हैं, मैं बहुत ही भूरे रंग की हूँ, सांवली हूँ, लेकिन ऊपर से काटिए तो खून तो एक ही है। अगर मुझे ये ताजुब लगा जब मुझे, जब बेटे का कुछ, बेटा बहुत बीमार था, मेरा खून उससे मिला ही नहीं, मेरे बेटे से नहीं मिला, जिसको मैंने ही पैदा किया है, मेरे हस्बैंड से मिला। तो अब ये, अब क्या, किसका खून कहाँ किसको मिल जाए, जबकि मेरे ही कोख से जन्मा है, लेकिन मेरा खून नहीं मिला। और तो वो जो मैंने पहले भी हम लोग की बात हुई, आदर, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, आदर करना, स्पेस समझना, सबको रिस्पेक्ट देना, वो हर एक, वो कोई भी संस्कृति हो, हर संस्कृति में अगर आप वो ऊपरी ढांचा भूल जाएं, इंसान तो वही है, वही इंसान है, और वही एक दूसरे के प्रति अगर हम आदर करते हैं तो सब कुछ, फिर कुछ, कोई डिफरेंसेस नहीं मैटर करता है। और मेरे मदर इन लॉ ऐसा था कि जैसे मेरी माँ हूँ, और मेरी माँ कहती थी कि भाई ये तो ज़्यादा, मतलब कि एक लाइक एन एनी इंडियन सन इन लॉ हो, मतलब इस तरह से, जैसे उनको समझ में आ गया कि यहाँ हम लोग बड़ों का पैर छूते हैं, वो सबका छूते थे पैर, मेरे दैट वे इस। अब तो वही कहने का मतलब है कि आपको मजहब बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई भी मजहब कोई भी हो, आपको तो एक दूसरे इंसान और इंसानियत से मतलब है, मजहब से क्या मतलब है, जी मजहब तो इंसान का बनाया हुआ है, बिल्कुल और हर एक मजहब में आदर और प्यार की भावना बोलते हैं, लेकिन बैर तो हम करते हैं कि अगर मैं ही अगर कहती कि नहीं आप ऐसे डिफरेंट हैं, और वही कहते कि नहीं आप ऐसे, आपको ऐसे ही होना चाहिए, मैं वहाँ, यहाँ तो इस रीजन से उस रीजन, इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में शादी हो तो बर्तन खनकते रहते हैं, तो वहाँ तो फिर और भी खनकेंगे अगर आप, तो बेसिकली मैंने देखा है, और मेरे हस्बैंड का भी यही मानना है कि अगर हम एक दूसरे को के प्रति प्यार हो, प्यार इन द सेंस कि लॉन्ग लास्टिंग प्यार, वो जो सचमुच एक सद्भावना के साथ, एक आदर के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ, एक मानवता, इंसानियत के साथ। बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपने किसी को अपना बनाना है तो मन से मन का जुड़ाव जरूरी है, वरना तो भेदभाव करने के लिए हजार आपको रीजंस मिलते हैं। देखिए ना, वो कबीर की एक कहानी है, वो एक कहा है ना कि जब मैं था, जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है तो मैं नहीं, प्रेम गली अति साकड़ी, जामे दोना समाए। तो और हम जब प्यार की बात करते हैं, हम जब प्यार की बात करते हैं,
तो एक बांसुरी को देख लीजिए। बांसुरी एक बहुत ही सिंपल बांस की बनी हुई है, और लेकिन क्या प्योरिटी ऑफ नोट आती है, क्या शुद्धता है वो वो, और वो हम कृष्ण के वो हम उससे कि बांसुरी की धुन में अगर हम लीन हो जाए तो हम कृष्ण के नज़दीक हो जाए, वो ईश्वर के नज़दीक, वो एक रास्ता है। हम तो ये कहते हैं, हम तो यहाँ मानते हैं ये भक्ति मार्ग का है ये हमारे, और लेकिन आप वही देख लीजिए मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने वही बांसुरी के ऊपर 12वीं-13वीं शताब्दी में क्या लिखा है, उन्होंने भी वही लिखा है, विष्णु अजने चूँ है कौ इतनी कुनद अज जुदाई हो शा इतनी कुनद सीना खाहिम शर शर अज फिराकताब हो। कहने का मतलब फारसी में है कि अगर बांसुरी की आवाज़ सुनिए, वो जो मेरे मन के दर्द है उसको दर्द को कह रही है, जैसे बांसुरी का दिल छिदा हुआ है वैसे मेरा भी दिल छिदा हुआ है इस इश्तियाक में, ये डिज़ायर में कि मैं आपके करीब हो जाऊँ, आपके साथ हो जाऊँ। जिस तरह से हम रोज़ अपना गंदे कपड़े बदलते और नहाते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं, उसी तरह से बांसुरी की आवाज़ मुझे अपनी मुझे शुद्ध करती है। और अगर आप कह रहे हैं कि ये पागलपन है, तो ये इस तरह का पागलपन हर कोई